Shraddha Kapoor, Raghav Jiyal, and Shushant Pujari. Everyone make some noise for tonight together. Our very special guests are present in between us. Warm welcome, sir. Punjab mein aap sabhi ka welcome hai. किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, यू ऑल नो. एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारी सभी कॉस्मो प्लाजा के जो स्पेशल हमारे मेंबर्स हैं, मिस्टर मनी सेठी सर, सीएमजी कॉस्मो प्लाजा, सब प्लीज जॉइन अस. उनकी वाइफ भी हमारे साथ है. मैं शाली मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगी, मैम आप भी हमें प्लीज ज्वाइन कर लीजिए फॉर द लैंप लाइट में. एंड मैं मिस्टर चंद गोवर शर्मा सर से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज ज्वाइन अस फॉर द लैंप लाइट में. दिस इज द राइट टाइम. कहते हैं कि लैंप ऑफ लाइटिंग इज अ गुड साइन. ईश्वर के नाम से हर अच्छी चीज की शुरुआत होती है. सो ऑल द वेरी बेस्ट कॉस्मो प्लाजा फॉर योर यार. उतार ले यार दूसरी, बहुत ही स्पेशल जो ये तेरे ऊपर हमारे प्राइस थोड़ा सा नीचे कर ऐड हुआ है मॉल. एंड जितना प्यार बाकी सभी मॉल्स में यहाँ मिलता आया है उतना ही और मिलने वाला है. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट. Shalom. And you know, this mall is just open. It's new, this PVR. So we just need all your support for this new movie and also the mall. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thanks a lot. All right, everyone. थोड़ा सा हम पंजाबी माहौल में आते हैं बिकॉज वी आर इन पंजाब. ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू वेरी मच. आप सभी जानते हैं किसी भी इंट्रोडक्शन की यहाँ पे जरूरत नहीं है. एवरीवन नोस कि 24th ऑफ जनवरी को हमारी मूवी आ रही है स्ट्रीट डांसर. एंड एक और न्यू थिएटर हमारे बीच में ट्राई सिटी में लॉन्च हो चुका है. नॉट ओनली थिएटर, सो मेनी थिंग्स आर देयर, सो मेनी ब्रांड्स आर देयर. सो यही मैसेज हम ट्राई सिटी में देना चाहते हैं कि जितने भी हमारे कलीजी हैं वो सभी लोग आए यहाँ पर मूवी भी इंजॉय करें. एंड हमारे कॉस्मो प्लाजा को लास्ट 1 ईयर से तैयार कर रहे थे ना, फ्रॉम लास्ट 6 मंथ ये वर्किंग में है. सो जॉइन अस बट दिस इज द राइट टाइम. अभी मैं हमारी बहुत ही टैलेंटेड, हमारी टीम की बहुत ही हार्ड वर्किंग लेडी इज प्रेजेंट हियर. आई वुड लाइक टू इनवाइट हर ऑन द स्टेज, मिस शालू, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग. सो मैम प्लीज जॉइन अस. First of all, sabnu sat sri akal, and thank you so very much Varun, Shraddha, the entire cast of Street Dancer 3 to be here. Aaj da mauka sade vaste bahut 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 khushiyan da hai. Aziratpur vich sada pehla theater khul reha hai, four screen multiplex, and sade kol sade young stars. Shraddha, to tell about, tell us about the Dev movie. Thank you. All right, thank you very much, sir. Now, I would like to invite Shraddha Kapoor ma'am, ma'am please say a few words. Yes, ladies first, please. Ladies first. Yes, sir. Obviously, no. Satya Kaal, Chandigarh. It's very, Zirakpur. बिल्कुल. पहली बात तो यह कि थैंक यू सो मच कि आप हमारी फिल्म को पहले दिखा रहे हैं, तो उसके साथ आप शुरुआत कर रहे हैं. एंड उम्मीद है कि हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे. बट कंग्रेचुलेशन ऑन द न्यू सिनेमा. और चंडीगढ़ यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत सारा प्यार आप सब हमें देते हैं. एंड बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे आके. और उम्मीद है कि आप सबको हमारी फिल्म पसंद आएगी. And yes, please cinemas में जाके देखिए.
All right. Varun sir. सत श्री अकाल जीरकपुर, क्या हाल चाल? पहले तो मैं बता दूं कि जब भी मैं इधर आता हूँ, जब भी मैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट में लैंड करता हूँ, तो मेरे लिए बहुत लकी होता है चंडीगढ़। जब जब मैं यहाँ पे आया हूँ और किसी चीज के लिए मैंने मांगा है, वो अच्छी गई है मेरी जिंदगी में। मैं तेरा हीरो के लिए पहली बार आया था एलांटे मॉल में, एंड उसके बाद मैं हमटी शर्मा के लिए यहाँ पे काफी दिनों के लिए रुका था। एलांटे मॉल में तब जाता था, लोग मुझे ज्यादा पहचानते नहीं थे। नैंडोज में खाना था, अभी नैंडोज है अच्छा। पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि जीरकपुर में ये पहला थिएटर है जो खुला हुआ है, पहला सिनेमा हॉल, विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग। मुनिपा जी हैज डन टू ब्रिंग द पीवीआर सिनेमा हियर टू जीरकपुर। फर्स्ट पीवीआर इन जीरकपुर, 921 कैपेसिटी है यहाँ की, 4 स्क्रीन्स अब है, तकरीबन 20 शो चले गए यहाँ पे, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी। पंजाबी फिल्म भी रिलीज हो रही है हमारे साथ 24 जनवरी को, मेरी दोस्त सोनम बाजवा, उनकी भी फिल्म रिलीज हो रही है, तो बहुत बहुत बधाई है उनको भी, पूरी टीम को भी। बेसिकली यहाँ पे आए थे मैं एक जो मेरा मनपसंद डायलॉग है स्ट्रीट डांसर से, क्योंकि मेरा नाम है सहज सिंह। ओबन सिंह क्रू का नाम आई डोंट नो हमने वाले वर्ड, वो चंडीगढ़ से ही है, उस बंदे का नाम भी सहज है, सहज जो लीडर है उस ग्रुप का, तो मेरा नाम जो सहज पड़ा है फिल्म में वो उसके वजह से है, एक चंडीगढ़ के लड़के के वजह से, चंडीगढ़ के डांसिंग अरवन सिंह की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसकी वजह से मेरा नाम पड़ा है सहज फिल्म में। तो एक डायलॉग है, मेरी बीवी हमेशा कहती है, चाहे तेरे लब पे वाहे गुरु का नाम आवे या ना आवे, चाहे तेरे लब पे वाहे गुरु का नाम आवे या ना आवे, वो लम्हा भी इबादत का होता है जब तू किसी और के काम आवे। तो आज जीरकपुर के जितने भी दोस्त है, भाई है, बहन है हमारे यहाँ पे, वो लोग हमारे काम आए, हमें यहाँ पे लेके आके, एंड वी आर गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू शो यू आर ट्रेलर इन 3D। तो प्लीज आप लोग वो ट्रेलर देखिए और फिर जम के हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। सर अब हम जरा शिफ्ट होंगे राघव की तरफ। हाँ जी सर, वो एक गाना सर आपके स्टाइल में, यस मेरे स्टाइल में, तो पहले ये बोलूंगा कि हाँ ट्रेलर के बाद स्टेप दिखाएंगे, पहले ट्रेलर चलेगा फिर फिल्म चलेगी। लेकिन पंजाब की जमीन का स्पर्श करके हम वापस जाएंगे, इससे अच्छा लकी मोमेंट हमारे लिए कोई नहीं होगा। अन्न से लेकर अनाज तक पूरे देश में पंजाब दिखता है। अगर ये दिल हमारा, हमारे देश का दिल है, लोग बोलते हैं लगे पंजाबी के, अन्न से लेके अनाज, खेत खलियारे, घी, मक्खन, दूध, मतलब यहाँ पर जो कहो वो यहाँ पर मिलता है, सिनेमा भी। तो यहाँ बहुत लकी है हम लोग, यहाँ पर यहाँ की जमीन को हम टच करके, स्पर्श करके वापस जा रहे हैं, तो हमारी पिक्चर हिट होनी ही है, ये पक्का है, सुपर हिट होगी। और बाकी स्टेप तो करते रहेंगे, हम तो करते रहते हैं बचपन से स्टेप, और हमने ये स्टेप लिए हैं आने का। हमारे साथ है सुशांत। यस सर। सुशांत एबीसीडी 1 का पार्ट थे, एबीसीडी 2 का पार्ट थे, तो अगर फिल्म का नाम है स्ट्रीट डांसर, तो इनसे बड़ा कोई एग्जांपल नहीं है। ये बहुत साल से एक बैकग्राउंड डांसर होते थे, एंड इन्होंने मेरे को भी सिखाया डिस्को दीवाने, जब मैंने सीखा था तो ये रेमो सर के टीम में थे, तो इन्होंने मुझे सिखाया। ये अभी हमारे साथ हमारे कोस्टार है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिल्म के, बहुत ज्यादा और बहुत हम्बल है, थोड़ा सा शाय है, तो प्लीज सर सुशांत जी की तरफ से आप ही बोलने वाले हैं। पहले तो हाय बोलना चाहूंगा, ऑब्वियसली शाय नहीं हूँ, मगर ये सब नया है मेरे लिए, क्योंकि सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा हूं मैं। और ऑब्वियसली जैसे वरुण ने बोला कि उसके लिए बहुत लकी है पंजाब, जैसे वो पैर डालता है वो सब कुछ हिट हुआ था। आई विश करता हूँ कि मेरे लिए भी अच्छा ब्लेसिंग्स हो और हिट हो जाए ये मूवी, ताकि मैं और भी आपके सामने और ये कैमरे के सामने आते रहो। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मूवी हिट हो जाए, नहीं मूवी हिट है, और क्या चाहिए, बोलो। थैंक यू वेरी मच सर। सो नाउ आई रिक्वेस्ट मनी सर, एक खूबसूरत सा तोहफा आप सभी के लिए। यस, तोहफा भी पहुंच चुका है सर, आपको ये तोहफा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, एंड आप लोग क्लैपिंग कर सकते हैं थोड़ी देर, जिनके हाथ में कैमरा फोन नहीं है। राइट, एंड थैंक यू वेरी मच सर।
आपकी जो पूरी कंप्लीट टीम यहाँ पर प्रेजेंट है, श्रद्धा मैम, वरुण सर, राघव जी, सुशांत जी, थैंक्स फॉर कमिंग एंड मेकिंग दिस ऑल मोमेंट मोर स्पेशल. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. यस सर, यस मैम. थैंक यू. कम गाइस, बिगिन द क्यू एंड ए. हम ऑल राइट, क्वेश्चन दस में प्लीज कोई माइक दे दीजिए, हमें चिटकारा यूनिवर्सिटी जाना है इसके बाद. कितना दूर है वैसे? आधे घंटा हाँ, सॉरी मैम. यस मैम, ओके. तो मेरे किरदार का नाम है सहज, सहज सिंह, और ये कहानी जो है एक कमिंग ऑफ एज कहानी है. फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ पटियाला टू द स्ट्रीट्स ऑफ पिकेडिली सर्कस, यूके में बेस्ड है कहानी. जहाँ दो राइवल ग्रुप्स है, एक स्ट्रीट डांसर और एक रूल ब्रेकर्स, और आपस में हमारी बहुत राइवलरी होती है. लाइक यू कैन सी इन द ट्रेलर, एक बहुत बड़ा कॉज जुड़ा हुआ है फिल्म के साथ. मैं उसके बारे में एक्चुअली यहाँ पे बोलना चाहता हूँ. जब मैंने फिल्म साइन की थी तो रमो सर ने मुझे ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी ऑन स्वॉट. SWAT is Seek Welfare and Awareness Team, where these people, ये लोग किसी भी मजहब, धर्म, कल्चर के लोगों की मदद करते हैं. अगर उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, घर नहीं है या ठंड है, रात में जाके ये लोग ब्लैंकेट्स देते हैं, खाना देते हैं, मदद करते हैं लोगों की. और इस चीज से, बेसिकली सिख धर्म से, रमो सर बहुत प्रभावित हुए थे. He got very influenced, और हम लोगों ने डिसाइड किया ये फिल्म बनाने को. How that cause gets tied up into dancing, बहुत beautifully आया है फिल्म में. And full credit goes to our director Remo sir for that. तो कुछ ऐसा है. Hi Varun. Hi. Hi. बस मूवी नहीं लड़ रहे हैं, अदरवाइज नहीं लड़ रहे हम. और वो बहुत इंटरेस्टिंग भी था, क्योंकि ये भी सीरी टू में हम एक ही टीम में थे, और इस बारी हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो उसका भी एक आई थिंक नया एंगल है डेफिनेटली. और अभी तो 24 जान को ही पता चलेगा कि उसका क्या होता है, कि हम एक दूसरे को टक्कर मार रहे एकदम. और ये राघव का जैकेट थोड़ा सेट कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स. तो हाँ बिल्कुल. एक चीज पूछना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा आपको, आप दोनों को हमने लास्ट टाइम भी बात की थी जब हमने आपको डांसिंग जोड़ी बुलाया था, अगर आपको याद होगा. तो इस बार आप एक दूसरे के खिलाफ तो लड़ रहे हो, लेकिन साथ में एक चीज और है कि आप लोगों के ऊपर जो एक एक्टिंग का प्रेशर भी रहता है, कि डांस के साथ साथ आपको एक्टिंग के तौर पर भी जज किया जाता है. सो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं, सो इसके अंदर जो प्रेशर कितना रिलीज हुआ, क्योंकि डांस के ऊपर आप दूसरी तीसरी फिल्म कर रहे हो. इसमें बहुत मजा आता था, क्योंकि हम लोग घेरे गए हैं इंडिया के बेस्ट डांसर्स के साथ. तो जब जब एक्टिंग की बात आती थी तो ये लोग सब, वेदर सुशांत, वेदर राघव, लोग हमेशा देखते बोलते हैं, वरुण भाई ये ठीक हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या लग रहा है, ये बदलू वो बदलू. एंड उस टाइम मुझे भी नर्वसनेस हो रही है, बट मैं बता नहीं सकता उनको कि यार मुझे खुद नहीं पता, लेट्स गो विद द फ्लो, क्योंकि किसी को तो दिखाना है कि मुझे भी आता है. और जब डांसिंग की वक्त आती है तो मैं और श्रद्धा नर्वस होते हैं, एंड दैट टाइम दे आर सेवियर्स. बट अब मैं कहूंगा कि स्ट्रीट डांसर 3D में आते आते आई थिंक वी आर ऑल एक्टर्स. बहुत गलत होगा कि हम लोग डांसर्स को सिर्फ डांसर्स बोलेंगे, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग आर्टिस्ट. बहुत नाम कमाया है इन लोगों ने टीवी पे भी, द हाउसहोल्ड नेम्स बहुत फेमस है. राघव पे बहुत लड़कियां मरती है इंडिया से लेके स्वीडन तक. स्वीडन स्पेसिफिकली है क्या? स्वीडन स्पेसिफिकली है, हाँ. ग्लोबल वार्मिंग के चलते रहते हैं, काफी स्वीडन को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत कार्बन फ्री स्टेट है. तो मैं काफी इंस्पायर होता हूँ उससे कि हमारे देश में भी ऐसा कुछ हो. सर अच्छा कवर किया आपने. सॉरी सॉरी. यस सर, हाँ जी. स्ट्रीट डांसर बेसिकली एक वो
आई थिंक जो चांस के बारे में आप बात कर रहे हो, आज किंग्स यूनाइटेड जैसा ग्रुप नाला सुभाष से जाके वर्ल्ड्स गॉट टैलेंट पे जीत, वर्ल्ड ऑफ डांस पे जीत रहा है, जेनिफर लोपेज उन्हें अवार्ड दे रही है, दे वन, हम लोग ने एबीसीडी टू उनके सुरेश एनी अवार्ड नॉमिनेटेड, हमारे फिल्म में एक ग्रुप है वी अनबीटेबल जिनके साथ मैंने वाघा बॉर्डर पे परफॉर्म किया था, वो लोग अभी अभी अमेरिका गॉट टैलेंट के चैंपियनशिप जीते हैं। सो हमारे देश में टैलेंट तो इतना है, मैं चंडीगढ़ में जब अमृतसर में शूटिंग कर रहा था तो वहां पे वहां के लोकल ग्रुप्स को आप देख लो, मतलब जिस तरीके के स्टंट्स हमारे ग्रुप्स यहाँ पे करते हैं वो किसी भी दुनिया में नहीं करते। ऑब्वियसली कई कई बार वहां पे उन लोगों को सपोर्ट मिल जाता है बहुत लोगों का, यहाँ पे सिर्फ कभी कभी पैसों की कमी होती है, दिक्कत होती है, बट आजकल इतने रियलिटी शोज हो गए एंड आई डू फील कि ये स्ट्रीट डांसर 3D देखने के बाद आपको ऐसा भी लगेगा कि स्ट्रीट के जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, वेदर दे आर सिंगर्स, वेदर दे आर डांसर्स, वेदर दे आर ग्राफिटी आर्टिस्ट, वेदर दे आर रैपर्स, उन सब में इतना कला है कि हमें एज ए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं, हमें उनकी जरूरत है नया टैलेंट अंदर लेके आने के लिए। सो आई आई थिंक दैट श्रद्धा श्रद्धा दिस साइड देखा जाए तो ये फिल्म बेस्ट है, तो जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कुछ बेस्ट ऐसा दिखा, तो और जो डांस फिल्म में आई है उससे इस फिल्म में अलग क्या दर्शकों को देखने? जैसे कि पहले भी हम कह चुके हैं कि ये सिर्फ एक डांस फिल्म नहीं है, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो मुद्दा है वो सिर्फ जैसे कि वॉइस ओवर में कहा गया है कि चाहे वो क्रिकेट के खेल में हो या डांस के बैटल में, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलते हैं तो मजा तो आता है, कंपटीशन होती है एक तरीके की, एक कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो देखने में वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये सब आती है, तो बहुत पॉजिटिव चीज हम लोग दिखा रहे हैं। जो हमारे झगड़े भी होते हैं वो क्रिकेट को लेके आते हैं, मतलब कोहली ने अगर छक्का मार दिया पाकिस्तान के बॉलर को तो हम लोग तो भांगड़ा पाएंगे ना, तो वो सारी चीजें हैं मस्ती मजाक में, बट ये कहानी आके रुकती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो रेमो सर ने दिखाया है, वो मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि फिर मैं बोल दूंगा तो फिर फिल्म में मजा नहीं रह जाएगा। अपार शक्ति का बहुत बड़ा किरदार है इसमें, एक झगड़ा दिखाया है मेरे और राघव के बीच में जहां मुझे इन पे हाथ उठाना पड़ा मजबूरन। हाँ जी, बचपन के बहुत यादें, हम सबकी यादें, आई थिंक थैंक यू आई थिंक क्योंकि हम यहाँ सब है और हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज है, बिल्कुल, तो एक एटलीस्ट एक लाइन तो हो जाना चाहिए आज स्पेशली आप सबके लिए। दो पंक्तियां श्रद्धा हो जाए, अच्छे से गाना, एक लाइन से गाना, एक लाइन नहीं अच्छे से गाना। And after this, only last two questions are there, right? तो ये सब आप सब के लिए एक ही लाइन, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा। How sweet. नीले सूर्य श्रद्धा एक मिनट, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपके डांसिंग स्किल्स, ओ माई गॉड, एक्चुअली इन दिस मूवी दे हैव गॉटन टू अ न्यू हाई, आई एम हियर। श्रद्धा क्या प्रैक्टिस करते हो कॉन्टिन्यूसली? आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ABCD से हटके स्ट्रीट डांसर क्यों है इसका नाम। वरुण आपसे क्वेश्चन मेरा ये है पूरे चंडीगढ़ की तरफ से, कि जब हम पंजाबी डायलॉग्स बोलते हैं तो उसमें प्योर पंजाबी नहीं लेते और बहुत गलत सी पंजाबी यूज की गई है, वो पंजाबी नहीं है, और सहज को अगर रिप्रेजेंट करें तो पंजाबी अच्छी होनी चाहिए। नहीं बट पाजी ये आपकी बात गलत है, क्योंकि जो पंजाब में पला बड़ा हुआ है वो ही ठेठ सही पंजाबी बोलेगा, करेक्ट? नहीं, लेकिन जो लोग अगर जो जिसकी परवरिश, और ये फिल्म परवरिश पे ही है, जब आपकी परवरिश अधूरी रह जाती है तो आपके अंदर जो कल्चर होता है वो पूरी नहीं होती है, तो उसके बारे में ही है कि मेरी बीजी जो मेरे को सिखाने की कोशिश कर रही थी मैं वो सीख नहीं पाता हूँ। सेम वे
मैं ऑब्वियसली मैं खुद पंजाबी भी हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी खुद असल की बीजी पंजाबी बोलती है, बड़ी ठेठ पंजाबी बोलती है, पर मेरी परवरिश अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं हो पाई। जो बॉम्बे में ये लोग टूटी फूटी पंजाबी या टूटी फूटी हिंदी भी बोलते हैं वो नहीं होती है, तो फिर आपको ये जिम्मा लेना चाहिए पूरे देश को सुधारने का। अच्छा सर, श्रद्धा आपने आंसर नहीं दिया अभी तक, स्ट्रीट डांसर क्यों रखा इसका, और आप प्रैक्टिस करते हो कि नहीं करते? एक्चुअली हम सबको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ा, और डेफिनेटली एबीसीडी 2 के बाद हम सबके लिए प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों ने इतना पसंद किया हम सबके डांस को, अलग अलग स्टाइल्स जो हमने किए, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी कि इस बार ही कुछ अलग करें। और बिल्कुल, और इल्लीगल वेपन जो हमारा गाना है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी। हर रोज सेट पे हम सबके लिए एक फिजियो रहते थे, और हम ऐसे बोलते थे कि अरे इनके बाद हमारा कर दो, हमारे घुटने में लग गया है, यहाँ पे लग गया है, गर्दन में लग गई है मूछ, तो लाइन में हम सब वेट करते थे कि फिजियो की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उसे इतना इधर लग गई इधर लग गई, मेरे को तो दो तीन बार लगी भी नहीं, बोला इधर दबाओ ना थोड़ा ऐसा भी हुआ है। हाँ जी पाजी, हाँ जी, प्रभुदेवा लकी मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आते हैं, मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ, बादशाह भी तो चंडीगढ़ का ही है, तो इनफैक्ट मेरी उनसे भी बात हुई थी यहाँ पे आने के पहले, दैट इज ही आई थिंक अभी तो दिल्ली में है वो, बट पता नहीं आई जस्ट फील ब्लेसिंग्स जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है लोगों से, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, स्मार्ट सिटी बोला होगा, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट स्मार्ट सिटीज इन अ कंट्री, द मोस्ट वेल प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ को कहते हैं हर जगह, एंड यहाँ का एयर बहुत प्योर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे है, मुझे बहुत मतलब पॉजिटिविटी आती है, तो इसलिए वी हैड टू कम टू चंडीगढ़, वी हैड टू बी एंड गेट द ब्लेसिंग्स, करेक्ट करेक्ट, फ्रॉम थैंक यू वरुण सर, वरुण सर हाउ वाज वर्किंग विद योर चाइल्डहुड क्रश हियर अभिषेक, हां भाई हाउ वाज वर्किंग विद योर चाइल्डहुड क्रश, ये लास्ट के लिए रखा था तुमने, हाउ वाज इट वर्किंग फॉर विद माय चाइल्डहुड क्रश, प्रभु सर की बात कर रहे हो प्लीज Don't lie. Don't lie. अभी तो आपने मुझे थोड़ा ब्लश करा दिया है, बट अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा मजा आता है जब भी शब्दर में साथ में काम करते, बचपन से अच्छे दोस्त हैं हम लोग, एंड बहुत मस्ती होती है, मजाक होता है, जैसे आप देख रहे हैं हम लोग एक फैमिली की तरह है, हम सब पूरे फिल्म में एक फैमिली की तरह है, एंड मजा ही आता है भाई, उससे ज्यादा मैं भी क्या कहूँ। अरे हम जब भी साथ में चल रहे होते ना, इनका नया कुछ रोग है आयु श्रद्धा, तो इनको ये कह रहे बहुत मजा आ रहा है, जब भी हम साथ में चल रहे होते एक दो स्टेप भी करके दिखा, लाओ क्वेश्चन आंसर राउंड में जा रहे हैं, चिटकारा यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन मैम, कंप्लीट ट्राई सिटी चंडीगढ़ मोहाली पंजाब ऑल ओवर इंडिया की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, छोटा क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज टू वरुण सर, कौन से गाने पे जो आप अच्छा लगता है, आप चूज करो, मैम ही आप चूज करो गाना, इलीगल वेपन, इलीगल वेपन, चलो इलीगल मंडे आई एम सी तो तू ही रख बावे, ओ बजेगा मैम पीछे, मेरा पूरा ही खिता लगा लेगा, आप क्या मैं से पहले इतना बज रहा था, अच्छा ठीक है बजा दो भाई गाना, बजा दो, हां ना चलो।